नमस्कार दोस्तों, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स थर्ड और इसके अंदर आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वह करेंगे लग्रेंजस इंटरपोलेशन फॉर्मूले से। जो क्वेश्चन दिया है उसमें लिखा हुआ है यूजिंग लग्रेंजस इंटरपोलेशन फॉर्मूला फाइंड y6 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। क्वेश्चन में लिखा है जो मेथड कौन सी यूज करना है, लग्रेंजस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और कौन सी वैल्यू निकालना है, बाय सिक्स की वैल्यू निकालना, किससे निकालना है, जो टेबल दी गई इस डाटा का उपयोग करके। जो डाटा दिया गया उसमें एक्स की वैल्यू दी गई है 3, 5, 7, 9, 11 और बाई की वैल्यू दी गई है 6, 24, 58, 108 और 74। अब इस टेबल को कैसे यूज करेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको समझने के लिए ध्यान से सुनते हुए चलें और जो भी मैं यहां पर लिखता हूं उसको भी आपको देखते हुए चलना है। यहां पर हमें कोई भी टेबल नहीं बनाना, सीधा हमें क्या करना, सॉल्यूशन लिखना है। याद रखें, क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। और जो टेबल में वैल्यू दी गई उनको हमें कैसे लिखना है, जैसे पहली वैल्यू है तो उसको हमें एक्स की वैल्यू देखें, याद रखें एक्स के सामने वाली वैल्यू देखें, तो ऐसा एक्स जीरो लिखेंगे और एक्स के बराबर जो पहली वैल्यू है उसको लिख देंगे। फिर हम एक्स जीरो से एक्स वन पे चलेंगे, दूसरी वैल्यू लिख देंगे, फाइव दी गई है। फिर हम क्या करेंगे, एक्स टू पे चलेंगे, फिर वैल्यू दी गई सेवन, तो सेवन लिख देंगे। फिर हम एक्स थ्री पे चलेंगे, फिर दी गई नाइन दी गई, तो नाइन लिख देंगे हम। फिर कितना है, इलेवन है, तो हमारा इलेवन क्या हो जाएगा, एक्स फोर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इलेवन हो जाएगा। इसको यहां पर कॉमा लगाने के बाद सेकेंड वैल्यू दी गई बाई की दी गई, तो बाई जीरो से इसको भी स्टार्ट करेंगे, तो बाई जीरो इक्वल टू सिक्स हो जाएगा। फिर वाई वन इक्वल टू हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24 और वाई टू इक्वल टू हो जाएगा 58, वाई थ्री इक्वल टू हो जाएगा 108 और वाई फोर इक्वल टू हो जाएगा 74। तो ये वैल्यू आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि जो टेबल दी गई उसके आधार पर। एक्स यहां पर दिया गया तो एक्स जीरो से स्टार्ट करें, फिर एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री और एक्स फोर। इस तरह यहां पर y दिया गया तो y जीरो से स्टार्ट करें, तो y जीरो ये हो जाएगा y वन, y टू, y थ्री और y फोर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है वहां पर भी आपको इसी तरह लिखना है, सभी की मेथड सेम है। अब जो फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें इन वैल्यू को पुट करना, वह फॉर्मूला होता है जिस मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं उस मेथड का यहां पर ऐसा नाम लिख देना, जिससे पता रहे कि कौन सी मेथड हम यूज कर रहे हैं। फिर हमें क्या करना है, y इक्वल टू यहां पर लिखना है, याद रखें y इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला बहुत इजी होता है, इसको याद करना भी इजी होता है। सबसे पहले हम x से स्टार्ट करेंगे, x में x जीरो माइनस, x में x वन यहां पर माइनस करेंगे ऐसा। फिर हम क्या करेंगे, x में से ही माइनस करते हुए चलेंगे, x माइनस टू, x माइनस थ्री, ब्रैकेट के अंदर x माइनस फोर, फोर तक ही है, यहां पर देख लेना कहां तक है, x फोर तक ही, तो x फोर तक हम इसको बंद कर देंगे। फिर हम बटे में लिखेंगे, याद रखें क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे, इसको भी हमें यहाँ ध्यान से छोड़ते हुए, जो छूटा हुआ है यहाँ पर देखो, एक्स वन हो गया, एक्स टू हो गया, एक्स थ्री हो गया, एक्स फोर हो गया, लेकिन एक्स जीरो हम लोगों ने नहीं लिया है, तो एक्स जीरो यहाँ पर लेंगे, क्या लिखेंगे हम, एक्स जीरो लिखेंगे और माइनस ऊपर जो माइनस किया उसी को माइनस कर देंगे, एक्स वन हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, फिर एक्स जीरो हो जाएगा, एक्स टू हो जाएगा, एक्स टू यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, एक्स जीरो माइनस एक्स थ्री हो जाएगा, फिर एक्स जीरो माइनस एक्स फोर हो जाएगा। यहां पर जो छूटता है उसमें से हम नीचे वाली फिर से हम एक्स वन से लेकर जितनी वैल्यू है सब माइनस कर देते हैं और मल्टीप्लाई में हम पहली वैल्यू वाई वाली लेंगे, कौन सी, वाई जीरो, क्या लिख गया मैंने, वाई जीरो ले लिया। इतना आपको समझ में आ गया। फिर प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। प्लस लगाने के बाद हमें एक वैल्यू मिस करना है, जैसे कि यहां पर हमने एक्स जीरो मिस किया था, एक्स जीरो के बाद क्या आता है, एक्स वन आता, तो यहां से हमें एक्स वन हमें मिस कर देना। जब एक्स वन मिस करेंगे, लेकिन मिस एक्स वन कर रहा है तो एक्स जीरो हमारा आ जाएगा, तो यहां पर एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एक्स जीरो हो जाएगा। एक्स में से ही सारी वैल्यू यहां पर माइनस कर देना, तो एक्स माइनस एक्स टू हो जाएगा, क्योंकि वन हमने क्या किया यहां पर मिस किया है, और फिर हो जाएगा हमारा एक्स माइनस एक्स थ्री और दूसरे ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस एक्स फोर, एक्स माइनस एक्स फोर हो जाएगा बटे में। बटे में क्या होगा, जो हमने मिस किया है यहां पर, एक्स वन मिस किया है, तो एक्स वन में से हम सारी वैल्यू माइनस करेंगे, एक्स जीरो हो जाएगा, एक्स माइनस यहां पर एक्स वन माइनस एक्स टू हो जाएगा, फिर हमारा
एक्स वन माइनस एक्स थ्री हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स फोर हो जाएगा और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा वाई वन हो जाएगा। इस तरह फिर से हम प्लस करेंगे, हमने जीरो ले जीरो यूज कर लिया, वन यहां पर मिस कर लिया, अब हम क्या करेंगे टू को मिस करेंगे, किसको मिस करेंगे टू को मिस करेंगे, तो हमारा एक्स माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा, टू को मिस किया हमने तो एक्स माइनस एक्स थ्री हो जाएगा और एक्स माइनस एक्स फोर हो जाएगा। याद करने का तरीका जो मिस किया उसमें से नीचे फिर से सेम की सेम सारी वैल्यू यहां पर माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा मिस किया हमने टू मिस किया तो एक्स माइनस एक्स जीरो हो जाएगा और हमारा एक्स माइनस सॉरी एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा और एक्स टू माइनस एक्स थ्री हो जाएगा और एक्स टू माइनस एक्स फोर हो जाएगा। यहां पर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा वन तक पहुंच चुकी है तो हमारा क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। फिर से प्लस लगाएंगे, अब यहां पर हमने टू मिस कर चुके तो हम अब क्या मिस करेंगे थ्री मिस करेंगे, तो हम यहां पर हमारा क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स जीरो फिर ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस एक्स वन फिर ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस एक्स टू ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस एक्स फोर, क्योंकि हमें किसको मिस किया यहाँ टू मिस टू वाला मिस कर चुके, अब हमने किसको थ्री को मिस किया, अब जिसको मिस किया उसकी पूरा उसी में से यहाँ पर माइनस कर देंगे तो एक्स थ्री हो जाएगा माइनस एक्स जीरो, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स थ्री माइनस एक्स वन फिर हो जाएगा एक्स थ्री माइनस एक्स टू और एक्स थ्री माइनस एक्स फोर, मल्टीप्लाई में कितना हो चुका था टू हो चुका था, यहां पर क्या हो जाएगा हमारा बाय थ्री हो जाएगा, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर क्या करना फिर प्लस करेंगे, जब तक कि लास्ट भी मिस ना करता तो एक्स फोर मिस करेंगे हम, यहां पर प्लस लगा के तो मिस करने के बाद क्या करेंगे हम फिर एक्स माइनस एक्स जीरो हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस एक्स टू हो जाएगा और एक्स माइनस एक्स थ्री हो जाएगा, हमने फोर को क्या किया मिस कर दिया है, फोर को मिस किया हमने तो अब नीचे क्या आएगा वही सेम जिसको मिस किया उसमें से सारी वैल्यू घटाना है, एक्स माइनस एक्स फोर माइनस एक्स जीरो हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा एक्स फोर माइनस एक्स वन हो जाएगा और एक्स फोर माइनस एक्स टू हो जाएगा, एक्स फोर माइनस एक्स टू हो जाएगा और एक्स फोर माइनस एक्स थ्री हो जाएगा और मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा y4 हो जाएगा, लास्ट y4 ही है, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं दी गई, टेबल इससे बड़ी नहीं है, तो यहाँ तक हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला याद करना बहुत ही ईजी है जैसे मैं बता चुका हूँ, अब इसमें कुछ नहीं, जो वैल्यू मैंने यहाँ पर ली है उनको रखना है और आंसर निकालना है, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, इस तरह की आपका समय बर्बाद ना हो, तो यहाँ पर मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी है आपका समय बर्बाद ना हो इसलिए, बस एक बार समझा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर क्या था बाय यहाँ पर वैसे बाय एक्स लिख देता हूँ, ठीक है जो फॉर्मूला होता बाय एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर आपने देखा था, मैंने फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन के अंदर कहाँ से लिए मैंने, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा बाय एक्स, तो ये जो वैल्यू हो गई वह किसकी हो गई एक्स की हो गई, तो ए एक्स की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वैल्यू भी समझा देता हूँ मैं, बकाया मैंने यहाँ पर सारी वैल्यू लिख दी है, यहाँ पर जो भी दिखे x की जगह सिर्फ हमें क्या पुट करना है x की जगह हमें 6 रखना है, बकाया यहाँ पर जी जैसे कि x0, x1, x2, x3, x4 जो भी यहाँ पर लिखा दिख रहा है वो सेम का सेम हमें इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, जैसा मैंने यहाँ पर कर दिया है, x की जगह 6 लेते गए, बकाया सारी जो वैल्यू यहाँ ऑलरेडी मैंने गिवन डाटा लिख दिया था वैसा पुट कर देना। अब इसको सिर्फ सॉल्व करने में मेहनत है, तो अब सॉल्व करना बहुत जो भी एड करना माइनस करना सब कुछ आता है, मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना सब आता है, तो नॉर्मली इस मैसेज को माइनस करना, इस मैसेज को माइनस करना, इस मैसेज सब कुछ एक दूसरे से माइनस करना, इस तरह नीचे भी करना और मल्टीप्लाई, इसके लिए एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, तो आप ऐसा करें बाई सिक्स कर लें और जो ऐसा स्टेप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आ रहा माइनस फिफ्टीन, चेक करने के लिए मैं और बता देता हूँ नीचे आ रहा थ्री एट फोर मल्टीप्लाई सिक्स, ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में आ रहा माइनस फोर्टी फाइव अपॉन माइनस नाइन सिक्स इंटू ट्वेंटी फोर, थर्ड स्टेप में आ रहा है 45 अपॉन 64 इंटू 58, फिर नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है 15 बटे
माइनस 96 इंटू 108, और जो फिर क्या आ रहा प्लस लास्ट स्टेप में आ रहा 9 बटे 384 इंटू 74, ये आ रहा लास्ट स्टेप में। अब इसको और भी आगे सॉल्व कर लें, सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें से इसको मल्टीप्लाई करें फिर इसको डिवाइड करके रख दें, यहाँ पर माइनस का माइनस रखें, ये 19 हो जाएगा अपॉन 384, फिर प्लस की जगह प्लस रख दें, फिर इसमें से इसको मल्टीप्लाई करें और इसको जैसा का तैसा रख लें, और चाहें तो आप यहाँ से और भी परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है 1080 वटे 96 प्लस, फिर इसमें से इसको मल्टीप्लाई करें, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करें तो यार 2610 डिवाइड बाय 64। आप डिवाइड करके भी यहाँ पर एक स्टेप और कम कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें डिवाइड करके भी रख सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो माइनस प्लस माइनस होने चाहिए, तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस है तो ये प्लस है, तो एक दूसरे क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा, इसका डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है 1620 अपॉन 96, फिर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डिवाइड करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 666 बटे 384। और भी स्टेप कर सकते हैं इसको, आप इसमें इसको इसमें डिवाइड करके, इसको इसमें डिवाइड करके और भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ, लगभग आ रहा है 36.65625625, लगभग इतना आंसर आ रहा है, तो मुझे लगता है आप बड़े आसानी सॉल्व कर लेंगे, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।